लोग कैसे हो? आई होप बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो कई दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आदित्य भाई ये फोटो तो आप छोड़ दिए हो, बट इसका जो है कि आप ट्यूटोरियल क्यों नहीं लेकर के आ रहे हो, ये फोटो जो है कि आप अच्छा बनाए हो, इसका फेस स्मूथ तो हमको आप बता दीजिए कि इसका जो है कि फेस स्मूथ इतना हार्ड आप कैसे किए हो और इतना अच्छे तरीके में जो है कि वाइटनिंग कैसे किए हो। ठीक है, तो आज आपका भाई इस तरीके से कुछ आप लोग को एडिटिंग करके दिखाएगा और इस फोटो का चलिए मैं ओरिजिनल पिक आप लोग का दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं कुछ ओरिजिनल पिक इस टाइप से है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों कुछ खास नहीं है फोटो, इसी फोटो को मैं सेम उस टाइप से एडिटिंग करके दिखाऊंगा एंड फेस को वाइट करूंगा एंड आप लोग को बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों आज थोड़ा भी टाइम नहीं है, आज आप लोग का थोड़ा भी टाइम बात करके वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत ही आप लोग को मुद्दे पर चलेंगे एंड इस टाइप से फोटो एडिटिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तब तक के लिए जो भी लोग हमारे चैनल पर नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आता रहता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, अपना ओरिजिनल पीक ले लेना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एंड ओरिजिनल पीक को क्या करना है, यहाँ से शेयर पे क्लिक करना है एंड आप लोग को फर्स्ट फॉल लेकर के चलना है स्केच बुक में। ठीक है, इस टाइप के आप लोग को स्केच बुक में चलना ही पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों एंड मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग को क्या करना है, स्केच बुक आने के बाद आप लोग को लेयर पर क्लिक करके, ठीक है, लेयर पर क्लिक करके और पुराना वाला स्केच होगा उसको जो है कि आप लोग को डिलीट कर लेना है। ठीक है, अब जो है कि मैं नया वाला स्केच चला रहा हूँ, आप लोग बोलते थे कि आदित्य भाई जो आप स्केच चलाते हो वो हमको दे दीजिए, दुकान नया है, फलाना है, ढिकाना है, तो मैं सोचा क्यों नहीं आप लोगों को नया ही चला कर दिखाऊं। तो देखिए ये वाला नया वाला है, तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे प्यारे भाइयों एंड मेरे प्यारे मित्रों, अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग आने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर मैं क्या करूँ कि मेरा जो फ़ोटो है वो ब्लैक नहीं आए एंड हार्ड स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो जो है कि आज आपका आदित्य भाई बताएगा कि कैसे हार्ड स्मूथ होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करना होगा मेरे प्यारे भाइयों एंड मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग को लाइब्रेरी पर क्लिक करना होगा एंड लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे भाइयों एंड मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नीचे की साइड आना है एंड आप लोग कलरनेस में देखिए एक ब्रश दिखता है, ये वाला लास्ट में, एकदम लास्ट में दिखता है, इस ब्रश को सिंपली क्लिक करना है एंड सेटिंग पर क्लिक करना है। देखिए सेटिंग पर आने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिख जाएगा, बट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे ब्रश टाइप पे क्लिक कर लेना है एंड स्मूथ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, एंड स्मूथ पर क्लिक करने के बाद मेरे भाइयों एंड मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग को फॉलो को रख लेना है 20। ठीक है, 20 रख लीजिएगा एंड इसको 30 रख लीजिएगा स्ट्रेंथ को। ठीक है, 30। ठीक है, एंड देन डन कर दीजिएगा। ठीक है ना, डन करने के बाद आप सभी को क्या करना है, अपने फ़ोटो को जूम करना है। ठीक है, और बारीकी से अपने फ़ोटो को जो कि स्मूथ करना है। ठीक है ना, अच्छे तरीके से स्मूथ कीजिएगा थोड़ा टाइम दे करके, और देख लीजिए आप लोग हम कैसे स्मूथ कर रहे हैं। अपने हाथ जैसे जैसे घुमा रहे वैसे वैसे आप लोग को स्क्रीन पर एक छोटा सा गोल बिंदु दिख रहा होगा कि मेरा हाथ कैसे कैसे घूमता है। ठीक है, तो कुछ इसी टाइप से अपने हाथ को हल्के हाथों से घुमाना है, ये नहीं करना है, देखिए आप लोग को ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, देखिए आप लोग को ये फोटो को ले लेना ऐसे एंड ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे आप लोग नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है ना, अपने स्किन के हिसाब से चलना है। यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, मतलब खाली जगह है, तो आप लोग ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ठीक है ना, अभी आँख के नीचे करना होगा, मैं वो भी आप लोगों को बता देंगे एंड जो है कि मैं बहुत लगता है ना, तो हमको 2 मिनट लगता है स्मूथ करते हुए। ठीक है, मुझे पता है ना कि हम कैसे करते हैं, वही ट्रिक जो है कि आप लोग को दिखाई भी देता है एंड बताते भी हैं कि ऐसे ऐसे कीजिए। देखिए आँख के नीचे कुछ ऐसे करना, बचा के कर लेना है एंड जो है कि बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट नहीं करना है, आप लोगों को बस फेस वाला स्किन है ना उसी पर ब्रश को चलाना है। ठीक है ना, तो देखिए कुछ इस टाइप से चला लेना है एंड देन बर्स के साथ छोटा करके, जहाँ छोटा मांगता है वहाँ छोटा देना है। ठीक है ना, आप लोगों को क्या समझाएं हम, जहाँ छोटा बर्स चाहिए वहाँ पे छोटा कर लेना, आप लोगों को ये नहीं एक बार साइज को लगा लिए वही साइज लेकर के चलते रहेंगे नहीं। आप लोगों को देखिए मुझे यहाँ छोटा बर्स की जरूरत थी तो यहाँ पर मैं छोटा कर लिया, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा जरूरत था तो यहाँ पर मैं बड़ा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोग को बताते मेरा फेस स्मूथ हो गया, बस यहाँ पर नाक बचा है, तो चलिए मैं फटाफट से नाक भी करके आप लोग को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अच्छे तरीके से कर लेना है इस टाइप से। ठीक है, एंड नाक को इस टाइप से करना है एंड ऐसे ही करना है एंड अपने फ़ोटो को ऐसे घुमा करके ऐसे कर लेना है। देख सकते हैं आप लोग कि मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे वैसे आप लोग को कर लेना है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से कर लेना है एंड देन अपने फ़ोटो को जूम करके और कुछ इस टाइप से आप लोग कर लेना है। ठीक है ना, एंड देन ऐसे करना है। ठीक है, कुछ ऐसे करना है एंड कुछ ऐसे करना है, फिर से जो है कि आप लोग को बर्स के साइज़ को छोटा करना है एंड ऐसे कर लेना है। ठीक है, एंड ऐसे करना है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों, एंड नाक भी आपका हो जाएगा। चलिए एक्स्ट्रा का पार्ट जो होगा, एक्स्ट्रा पार्ट है जो कुछ नहीं है, हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट मतलब ये, चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं।
देखा कि इतना जल्दी मेरा फेस स्मूथ हो चुका है एंड बोलते हो ना कि आप लोग को वही वाला स्किन टोन चाहिए एंड ग्लोइंग चाहिए, तो चलिए बस एक मिनट और लगेगा और इस वीडियो को देख लीजिए और आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा कि फोटो रियली में वन क्लिक में एडिटिंग होता है, ठीक है ना। तो आप लोग चलिए चलते हैं, अब आप लोग को डायरेक्टली मुद्दे की तरफ चलते हैं एंड आप लोग फटाक से स्मूथ करके फटाक से फेस पे ग्लोइंग करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आप लोग क्या करना है, अपने फोटो को यहाँ पर सेव पर क्लिक करके और यहाँ से अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि मैं अपना फोटो स्मूथ करने के बाद गैलरी में सेव कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए स्किन पे बस स्मूथ किया हूँ एंड देन इसके बाद जो है कि वन क्लिक में आप लोगों का फेस स्मूथ होगा एंड वन क्लिक में जो है कि आप लोगों का पूरा हार्ड फोटो एडिटिंग बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, वो भी आप लोग को हम दिखा देते हैं एंड देन एक कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा एंड अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा एंड वन क्लिक का फोटो एडिटिंग कैसा लगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ शेयर पर क्लिक करके और यहाँ से लेकर के क्लिक करके और लेकर चलना है लाइट रूम अप्लीकेशन में, एडिट टू एलआर कर लेना है, ठीक है। एडिट टू एलआर करने में देखिए डायरेक्टली आपका लाइट रूम ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से सिंपली बैक आ जाना है, ठीक है ना। एंड देखिए यहाँ पे मेरा जादू देखिए एंड यहाँ पे लोग प्रीसेट मिलेगा, ठीक है ना। सिंपली आप लोग को ये प्रीसेट ले लेना है, ठीक है ना। देखिए ये प्रीसेट है आप लोग के लिए, हार्ड प्रीसेट बना करके रखे हैं, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग को थ्री डॉट पर क्लिक करके और आप लोग क्या करना है, कॉपी सेटिंग करना है, राइट क्लिक करना है, बैक आना है, ठीक है। एंड देन आप लोग को वो फोटो लेना है जो स्मूथ किए होंगे और सिंपली अभी आप लोग देखिए वन क्लिक वाला जादू दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लिक करके और पेस्ट सेटिंग कर देंगे और जो कि वन क्लिक में आपका फोटो बन के रेडी हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। अब एक सेकंड लोडिंग ले रहा है, ठीक है। एंड देन देखिए वन क्लिक में हो गया, ठीक है ना। एंड बहुत ही अच्छा फोटो वन क्लिक में बन के रेडी हो चुका है। एंड आप लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से एडिट पर क्लिक करके एडिट इफेक्ट पर क्लिक करके और आप लोग क्या करेंगे ना, अपने फोटो को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब ब्लैकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं वन क्लिक में मेरा फोटो हार्ड ग्लोइंग एंड ब्लैक एंड वाइट प्रीसेट के साथ जो है कि आप लोग को रेडी हो चुका है और बिना झंझट के बिना कुछ मेहनत के जो है कि आपका फोटो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। एंड आप लोग को बैकग्राउंड में लाइट वगैरह लगा सकते हो जाकर के पिकआर्ट एप्लीकेशन में। तो मेरे प्यारे भाइयों एंड मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होना तो दिल से एक कमेंट अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आप लोग के लिए ही कुछ ना कुछ बताता रहता है। चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।